थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी। कुछ भी कर ले मैं इस मुल्क का वजीर आजम नहीं बनूंगा। आप लोग कुछ भी कर लें, कितनी तालियां बजाएं, कितना मुझे उकसाएं, क्या हो, तुम आओ, नहीं आऊंगा भाई, मैं सबके अंजाम देख चुका हूं। मैं आपको सिर्फ इतना कर सकता हूं कि खुशामदीद कह सकता हूं इस प्रोग्राम में, शरीफ शो में, आप तमाम शरीफ लोगों को जो यहां मौजूद हैं और दुनिया में जहां भी देख रहे हैं, सबको मेरा सलाम पहुंचे। क्योंकि अभी मैंने एक बयान पढ़ा मोहतरम जनाब शाहरुख खान साहब का। शाहरुख खान ने कहा कि वो चांद पे घर बनाएंगे। अब सोच रहे हैं चांद पे घर बनाएंगे। अरे पाकिस्तान कौम को देखो, तुमसे पहले चांद पे जा चुकी है, चांद पे रह रही है। मैं हुकूमत को सल्यूट पेश करता हूं कि ना पानी है, ना बिजली है, ना आटा है, ना खाना है। ना सुई गैस है, ना नौकरियां हैं। इसका मतलब है हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं शाहरुख भाई, हमें क्या जरूरत है जाने की। हमसे टक्कर लेने चले हैं शाहरुख खान। अरे मैं चांद पे रहूंगा, रहो जानते, हम तो पहले से रहना चांद पे भाई। ये सारी अलामतें चांद की हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं, और हमारी साबिर कौम, सबर करने वाली कौम, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनको इसकी जजा जरूर देगा। और एक दिन ये कौम इन तमाम सहूलतों से मालामाल होगी। कोई तो आएगा जो हमें सारी चीजें देगा, मगर अभी भी हमें चीजें मिल रही हैं क्योंकि हमें उनके बिल मिल रहे हैं, चीजें नहीं मिल रही। फर्क सिर्फ इतना है, बिल सारे आ रहे हैं, चीजें नहीं है। तो इंशाअल्लाह हमें चीजें भी मिल जाएंगी। ये थोड़ी छोटी छोटी खामियां, इसको ज्यादा खामी ना समझे। अगर पानी नहीं मिल रहा है कोई बड़ी खामी नहीं है, बिजली नहीं है ये कोई बड़ी खामी नहीं है। बिजली के मिनिस्टर साहब के लिए तो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में उनकी तारीफ करता हूँ, उनकी जिंदगी की दुआएं मांगता हूँ। उन्होंने आज बयान दिया है, मैंने अखबार में पढ़ा, जिसमें लिखा है राजा परवेज अशरफ साहब ने कि सिर्फ थोड़ा सा दरियाओं में पानी कम है, वो पूरा हो जाए तो इंशाल्लाह ताला मैं बिजली की कमी पूरी कर दूंगा। अब मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग सब दो दो बाल्टी पानी दरिया में डाल के। ताकि दरियाओं में कम से कम पानी आ जाए और राजा साहब हमारे लिए कुछ कर सके, क्योंकि पानी नहीं है दरियाओं में। इंडिया ने हमारा पानी रोका हुआ है, हम अपना पानी सही नहीं कर रहे, हम डैम नहीं बना रहे। ये पता नहीं क्या बात है हम लोगों में कि हम लोग आगे का नहीं सोचते। आगे का सोचना चाहिए हमें, हमें आगे का सोचना चाहिए कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, कौन कौन सी चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और उसी चीज़ को हमें लेकर के उसकी कमी पूरी करनी चाहिए। ये खास बात है कि हमारी कौम को अपने प्लान ऐसे बनाने पड़ेंगे जिनके ऊपर चलकर हम तरक्की कर सकें। गो कि हम तरक्की कर रहे हैं। इसमें मैं एक बात ये कहूँगा कि शो बिजनेस के हवाले से या प्राइवेट चैनल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने बहुत तरक्की की है। हमारे चैनल्स पूरी दुनिया में जा रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में जो जो गलत फहमियाँ हैं लोगों के जहनों में उसे भी दूर कर रहे हैं, और प्लस अवेयरनेस दे रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब बता रहे हैं हमारा मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पेपर मीडिया दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मीडिया से ही मुतालिक हम आपको एक बड़ी खूबसूरत सी शख्सियत से मिलाएंगे, लेकिन मीडिया के अंदर काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोच जो है वो इश्तियाराना हो, जिस सोच के जरिए आप इश्तिहार दिखा सकें। तो पहले हम थोड़े से इश्तिहार दिखाएंगे, फिर आपको वो शख्सियत मिलाएंगे। इश्तिहार दिखाने के लिए हमें लेना पड़ेगा छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक लेके वापस आते हैं और फिर आपको मिलाते हैं हमारी आज की मेहमान से। हम वापस आ गए हैं ब्रेक से, और जैसा हम आपसे कह के गए थे कि हम, क्योंकि शाहरुख खान को हमने चैलेंज किया कि तुम क्या चांद पे जाओगे, हम तो रहे चांद पे रहे हैं, तो शाहरुख खान तो मेरे जहन में हमेशा, शाहरुख खान को देख के मेरे जहन में कुछ लोग आते हैं जो हीरोशिप जिनकी होती है, और जो लोग हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, हमारे चैनल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट प्रोडक्शंस कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक अच्छे अच्छे सब्जेक्ट दे रहे हैं, पाकिस्तान के देखने वालों को, पर दुनिया के देखने वालों को बड़े खूबसूरत जो है ना प्रोडक्शंस दे रहे हैं, और अपने इदारे बना के, जब से आर्टिस्टों ने अपने खुद इदारे बनाए हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्शन तख्लीक की हैं, और उसकी जो वाजा एक सबूत है वो यह है कि वो बेइंतहा पसंद की जा रही है। एक सीरियल जो मैंने भी एक दो चार एपिसोड कहीं उठते बैठते देख लिए, मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशान,
इसको देखकर मुझे पता चला कि इसके प्रोड्यूसर जो है वो शख्सियत है जो अभी हमारे मेहमान है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। मैं समझता हूँ जितना वो ड्रामे करते हैं उनसे कहीं बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, उनके फैंस हैं और उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत अच्छा स्टाइल है उनका एक्टिंग का। हम ये सारी बातें करते रहे, मैं सुबह तक उनकी तारीफ करता रहूँ, बेहतर उनके सामने करूँ बुराई भी और अच्छाई भी। तो खातिरदार इस्तकबाल कीजिए हमारे पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत शख्सियत, हरदिल अजीज फनकार हैं, बड़े स्टाइलिश हैं, नौजवान नस्ल में बहुत पसंद किया जाता है, बल्कि नौजवान ख्वातीन में बहुत पसंद किया जाता है। तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे हमारे आज शरीफ शो में हुमायूं सईद। हुमायूं अंकल, ये मैंने बड़ी नहीं, मैं तो बचपन से आपको देख रहा हूँ तो मैं जाहिर है मेरे जहन में तो इमेज है आपका। जी जी बिल्कुल। और पहला ड्रामा जब आपने किया था, एक तो मैं सबसे पहले आपको शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। आप मेरी नज़र में एक शरीफ इंसान हैं तो हमने इसमें आपको बुलाया। हम इसमें शरीफ लोगों को बुलाते हैं। सही करते हैं। सिर्फ शरीफ लोगों को। आपके सामने शरीफ आदमी बैठ सकता है। नहीं, मेरे सामने थोड़ा शराफत से बैठ जाते। आपको तो यकीन है ना कि आप शरीफ हैं? जी मुझे यकीन है। पक्का यकीन है? बिल्कुल। और आप जरा थोड़ा सा अपना झांक ले पीछे। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही मुड़ के देखे, गुजरे हुए वक्त को मुड़ के देखे। मेरे जो शरीफ काम किए मैं देखता नहीं उनको। देखते नहीं है, बस शराफत छोड़ दी। करके छोड़ दी, मतलब करके छोड़ दी, शराफत करके छोड़ दी, नेकी कर दरिया में डाल। आपने बहुत काम किया माशाल्लाह, और अल्लाह ने आपको इज्जत भी उतनी दी जितना, बल्कि मेरा ख्याल है जितना काम किया उसने अपनी रहमत से बड़ा नवाज दिया आप। जी माशाल्लाह। जी पैदा कब हुए थे आप? ये नहीं पूछूंगा क्यों, क्योंकि ये एक अजीब सा सवाल था क्यों पैदा हुए। तो आप कहाँ पैदा हुए? कराची। कराची में। माशाल्लाह, मार्शाल्लाह था, क्या था, कौन सा दौर था? दौर नहीं पता मुझे, मतलब नहीं, कौन सा सन तो पता होगा। हाँ सन, कैलेंडर आ गए थे उस दौर में। कौन से किस दौर में हुए थे, क्या सन था? बस 1971। 71। जी। ओ याद आया मुझे, बड़ा अजीब मनहूस साल था वो। वो इसलिए नहीं कि आप पैदा हुए तो मनहूस हो गया, जंग हो रही थी, हमारा आधा वतन कट गया था, टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के दो, तो ये चांद का टुकड़ा पैदा हुआ था। एक टुकड़ा गया, दूसरा टुकड़ा आ गया, अल्लाह ने दे दिया। जिसने अपने वतन का नाम रोशन कर रहे हैं ना आप, तो वो हर वो आदमी जो वतन का नाम रोशन करे और अपने मुल्क की पहचान बने और आगे जाए, वो समझ लीजिए वतन का टुकड़ा ही होता है। वो उसी तरह होता है जैसे खुदा की एक एक किसी कौम को देन होती है। तो हमारे मुल्क में जितने भी सेलिब्रिटी जो काम करते हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला इस तरह उरूज देते हैं। तो आपने 71 में आप पैदा हुए, तो जाहिर है शुरुआत कौन से सन में की आपने, किस चीज़ की? ये आपका जो शुगल है। नहीं, किस चीज की का मतलब है आप कुछ और भी करते रहे। शुरुआत का मतलब है एक्टिंग। एक्टिंग 95-96 की शुरुआत, 95 का एंड। 95 के एंड में, नवंबर दिसंबर में। कुछ ऐसे दिसंबर में होता ना एंड। आपका कहाँ होता है? आपका भी दिसंबर में ही हो रहा है मेरा शायद। अगस्त सितंबर में। अच्छा अगस्त सितंबर। अच्छा अगस्त सितंबर मुझे याद है। स्टार क्या है आपका? लियो। लियो मेरा नहीं पूछेंगे। आपका क्या है? दियो। ये लियो दियो। ये लियो दियो वाली। लियो दियो स्टार। अच्छा तो माशाल्लाह लियो तो बहुत अच्छे होते हैं, शेर होते हैं, शेर। जी जी। जो इनका साइन है वो लाइन है ना उसका, तो शेर। अच्छा शेर का मैंने पढ़ा है, वो शिकारी नहीं करता शेर, सुस्त जानवर है। पता है आपको, ये शेर नहीं भाभी सारे बंदे पकड़ के लाती है, जो शेर नहीं भाभी जाती है बाहर, जाती है पकड़ के ले आती है, और वो फिर बाद में शेर आता है। अच्छा वो निगरानी करता रहता है, भाभी भागती रहती है, शेर देखता रहता है, देखता रहता है, कोई उसका ये स्टाइल होता है। तो आप एक शेर हैं, ये तो एक बात है, तो क्या हमारी जो भाभी है वो शेर नहीं है? जी। आपने जिस तरह जी कहा है, मेरे शेर होने में शक हो सकता है लेकिन उसके शेर नहीं होने में नहीं हो सकता। उनके शेर नहीं होने में कोई शक नहीं है, आपका शेर होना एक बात है कि शायद कहीं वो शेर ऐसा भी हो जाए,
मसलहत पसंद कहीं किसी के फड्डे में नहीं बोल रहा, इग्नोर करके गुजर गया। अच्छा बहरहाल, तो आपका जो घरेलू जिंदगी है वो तो माशाल्लाह बड़ी पुरसुकून, ठीक है। आपने शुरुआत की 95 से, आप आए ड्रामा लाइन, पहला ड्रामा कौन सा किया था आपने? ये जहां पीटीवी का एक ड्रामा था, पाकिस्तान टेलीविजन से स्टार्ट किया आपने। मतलब मैं समझता हूँ कि पीटीवी की एक चीज का क्रेडिट तो है कि वहां पे लाइटिंग, आपका फुटवर्क, आपका बोलना, आपका अंदाज सब बन जाता है। पर एक वो चीजें जो पहले होती थी और अब नहीं होती हैं, रिहर्सल्स होती थी और यू नो एक बहुत, अब तो कुछ भी नहीं होता, अब तो रोमांस होता है, अब सिर्फ ड्रामों में सिर्फ और कुछ भी नहीं है ना। हाँ, तो आप तो खुद रोमांटिक आदमी है, मतलब रोमांटिक मैंने जितने भी ड्रामे आपके देखे हैं किसी ना किसी के इश्क में मुब्तला है आप, तो इश्क की इतनी क्या ऐसी आपको खोज है कि आप ड्रामे भी इश्क पे बनाते हैं, या इतने हैं आप डीपली रोमांटिक हैं आप? मैं हूँ, मैं अपनी असली जिंदगी में रोमांटिक हूँ और मुझे पसंद है रोमांटिक कैरेक्टर्स करना। नहीं वैसे आप असली जिंदगी में भी आप रोमांटिक हैं, तो फिर एक्टिंग भी जिंदगी में रोमांटिक करते हैं, तो आपको तो बहुत आसान लगता होगा ये काम क्योंकि आप तो उसके पहले से कारीगर हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे आसान लगता है, लेकिन अब इतने ज़्यादा ड्रामे किए हैं, इतना ज़्यादा काम किया है कि वो हमेशा अलग तरीके से रोमांस करना पड़ता है, तो उसमें ज़रा मुश्किल होती है। कौन सा स्टाइल रोमांस का अच्छा लगता है आपको? इतने लोग देख रहे हैं आपको, सही बताइए स्टाइल कौन सा, कि किसी गरीब घर में रोमांस करना, किसी अमीर घर में करना, किसी मीडियोकर क्लास में जाना, या किसी ऐसी लड़की से जो तन्हा हालात से लड़ रही हो उसकी मदद करना, उसके लिए हेल्पिंग हैंड बन के उससे फिर उससे रोमांस करना, ये क्या है? हम किसी की मदद करके, किसी की हेल्प करके, किसी को सहारा दे के फिर हम उससे रोमांस क्यों करते हैं? ये क्या बात, ये पब्लिक के दिल को लगी बात। हाँ। वैसे जितनी भी लड़कियां होती हैं मेरे ख्याल से उनको सबसे बड़ा जो दुख होता है ना वो यही होता है कि उनके साथ कोई उनको बहुत ज्यादा टाइम दे, उनके साथ रोमांस करे। लड़कियों को दुख होता अगर ना करे तो? ये मैं सही बात बता रहा हूँ। अच्छा, ये रोमांस एक ऐसी चीज़ है। एक मिनट प्लीज तवज्जो सुने नादरीन, इस बात को बहुत तवज्जो दें प्लीज। हुमायूं सईद, प्रोफेसर हुमायूं सईद, हमें रोमांस के मौजू पर टीच कर रहे हैं। जी सर। सर कैसे शुरू करना चाहिए बताइए पहले। मैं पहले तो ये बता रहा हूँ कि हर लड़की को जरूरत होती है रोमांस की। रोमांस की हर लड़की, ठीक है, हर बीवी को जरूरत होती है रोमांस की। बिल्कुल। अच्छा, इसमें फूफियां ताइयां खाला निकल गई? सिर्फ बीवियां और हर लड़की? देखो उनसे भी उस किस्म का रोमांस किया जा सकता है। फूफियां ताइयां उनसे भी आप प्यार से बात करें। मैं रोमांस को आपका मतलब है कि प्यार से बात करें, रिश्ता अपनी जगह पर है लेकिन उसमें हर किस्म का एक अलग प्यार होता है, कैटेगरी होती है ना इसकी। बिल्कुल। जैसे आप खाला से प्यार करेंगे तो क्या बात करेंगे, एहतराम को मलूज खातिर रखेंगे, और फूफो से प्यार करेंगे, जाहिर है एक रिश्ता तो ऐसा है, मतलब खाला, लेकिन वो बहुत क्यूट लग रही हैं आज। खाला बड़ी क्यूट लग रही है, आपकी मुझे ये आदत अच्छी लगती है, ये भी रोमांस का तरीका है। ये भी एक तरीका है। आपका कौन सा तरीका सबसे ज्यादा कामयाब हुआ है? बड़ा मजा आता अगर हम लाइव कॉल ले रहे होते ना, आपको बड़े फोन आने थे। और मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप लड़की की तारीफ करें, बस बस हर लिहाज से सेट हो जाती, चाहे वो तारीफ के काबिल हो को ना हो, तब भी करें, बस आप फिर भी करें, क्योंकि वो ऐसा सोचती ही नहीं कभी, लड़की ऐसा नहीं सोचती कि मैं तारीफ के काबिल नहीं हूँ, वो हर एक सोचती है कि मैं हूँ, मैं हूँ, वो जो बिल बतौड़ी थी वो भी सोचती वो भी हूँ। और जो बिल बतौड़ी होती है ना उसको ज्यादा जरूरत होती है रोमांस की। रोमांस की लव्स क्या है बिल बतौड़ी, मतलब कौन होती है ये? यार एक सीरियल चला था ना बिल बतौड़ी, जिसमें लड़की थी बड़ी हसीन औरत थी, तो बिल बतौड़ी जो है उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है इश्क की, रोमांस की, रोमांस की, तारीफ की, तारीफ की, भाई तुम बहुत अटेंशन की हर वक्त उसका। अच्छा, शुरू कहां से करते तारीफ? आंखों से, दांतों से, नाक से, कान से? बता दें, सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं। नाक कान से ज्यादा अगर आप आंखों की तारीफ करें, प्यार से उसको देखें उसकी आंखों में, उससे कहें कि तुम्हारी अच्छा, आंखें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, यू नो तुम्हारी आंखों में बहुत डेप्थ है। ये ठीक है, इस तरह करते हैं आप बात। और जब तुम अपना हाथ मूव करती हो तो यू नो मुझे फील होता है कि तुम
तुम्हारे हाथ भी कुछ बोल रहे हैं। बोल रहे हैं। जितनी लड़कियों को भी ये बोला है ना, और अगर वो देख रही होंगी तो सब जूते ही मारेंगे मुझे अब। तुमने कितनों को बोला है? खैर एनीवेज, नहीं आपने तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को ये बता दूँ, स्टूडेंट को दे रहे हैं ना आप ये टिप्स, तो ये घरेलू औरतों के तो नहीं। नहीं नहीं। अच्छी बात है हमारे भाई, आप कैसे इस लाइन में आ गए? कोई आपका टच है बैकग्राउंड में कहीं, कोई फैमिली में, कोई शोबिज में? नहीं, कोई भी नहीं। कोई टच नहीं। मेरी फैमिली में कोई भी एक्टर नहीं था या कोई भी प्रोड्यूसर नहीं था। मेरे जो ताया थे वो कुछ सिनेमास के मैनेजर थे, उनको मैनेज करते थे सिनेमास को। तो आप वहाँ जाते होंगे फिल्में देखने के लिए? मैं जाता था बिल्कुल। किस अदाकार को देखते थे बहुत शौक से? नहीं, उस वक्त तो वो फिल्में, मुझे बहुत छोटा था मैं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली फिल्म, लेकिन वो नहीं, जब बड़े हो गए होंगे तब। वहीद मुराद, नदीम, शबनम की जो भी, इन सब की जो फिल्में लगती थी, जो हमारे जो बड़े एक्टर्स हैं उनकी फिल्म्स देखते थे। देखते थे। आप किसकी देखते हैं आप फिल्म? शाहरुख खान की? मैं सब फिल्म देखता हूँ, मतलब शाहरुख खान की, आमिर खान की। कौन सा एक्टर आपको ऐसा लगता है आप कहते हो यार इसका मजा आया आज तो उसको देख के? मुझे कमला हसन बहुत पसंद है। कमला हसन? वैसे आई लाइक टॉम हैंक्स की फिल्में ज्यादातर देखते। आपने कमला हसन का नाम लिया, इसका मतलब है आपको बहुत बारीकी का काम देखते हैं जी। बहुत बारीक एक्टर है वो, बहुत ही बड़ा बड़ा उसने अपना एक मैनरिज्म बनाया हुआ है, बहुत तरीके से काम करते हैं, बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है। और बल्कि जितनी हिंदी फिल्में बनती है उससे पहले तमिल में बनती है, उसमें वो एक्ट करता है, बाद में ये सब लोग आते हैं, ये हकीकत बात है। और कितने लोगों ने उनको कॉपी किया है यू नो। फिल्म में आपका सफर इतना कामयाब नहीं रहा, इसकी क्या वजह क्या है? जी एक तो ये कि यहाँ पे इतनी ज्यादा फिल्में बनती नहीं है। मैंने पहली फिल्म की थी इंतहा। इंतहा, उसमें तो आपने इंतहा कर दी। वो अच्छी कामयाब फिल्म है। जी हाँ, बहुत सक्सेसफुल फिल्म। इट वाज माय फर्स्ट फिल्म और अच्छी। आई गॉट टू नेशनल अवार्ड, कुछ मेरे ख्याल से अब 7-8 अवार्ड मिले थे। उसके बाद आपने फिल्म की कोई और? उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे कोई अच्छी फिल्म ऑफर होंगी, जो कि नहीं हुई। कुछ फिल्में ऑफर हुई जो मैं नहीं करना चाहता था। मुझे सज्जाद गुल साहब ने उसके बाद ऑफर की फिल्म नो पैसा नो प्रॉब्लम। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म नहीं चली। और दो किस्म, मैंने मेहनत बहुत की थी, उसमें मैं लड़की बना था। वो खैर वो फिल्म इस तरह शूट हुई थी कि एक तो एक सज्जाद गुल बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री के। तो उस वक्त जब उन्होंने मुझे फिल्म ऑफर की तो मैंने बोला अब ये जो फिल्म बनाएंगे ये अच्छी होगी तो मैं ये करूँगा। तो वो फिल्म फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी थी, सेकेंड हाफ में पता नहीं उस फिल्म को क्या हुआ था। तो फिर उसके बाद आपने ये जो उसके बाद मैं 5 फिल्में की हैं अब तक। और जो मेरी पहली फिल्म थी वो हिट थी समझ लें, दूसरी फिल्म ये नहीं चली, तीसरी फिल्म जो थी वो फिल्म थी मैं एक दिन लौट के आऊंगा। मैं एक दिन लौट के जावेद फाजिल ने फिल्म, जावेद फाजिल साहब जी हाँ, उनकी फिल्म थी। प्रॉब्ली शायद उसका आइडिया आउटडेटेड था, लेकिन ये जो तीसरी फिल्म मैंने की थी मैं डेस्परेट होकर की थी, बिकॉज कोई फिल्म नहीं थी, बन नहीं रही थी, मैं ड्रामे बहुत ज्यादा कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं फिल्म करूं। हाँ, तो मैंने वो फिल्म की और जावेद साहब अगेन बहुत बड़ा नाम है और बस समाओ वो फिल्म नहीं चली और गलत टाइम पे रिलीज हुई आप ये कहें, या उसका जो आइडिया था वो आउटडेटेड था। और उसके काफी पहले काम हो चुका था। उसके बाद मैंने ये फिल्म की जो कि इंडियन फिल्म थी और इसका हिट या फ्लॉप होने का मुझे इतना नहीं था कि इसमें, मैं ये चाहता था कि मेरा काम अच्छा हो जो बहुत काम तो आपका ठीक लोगों का बहुत पसंद आया। काम ठीक था। हाँ। काम ठीक था। वो शेखर सुमन का जो बेटा है, हाँ। मेरे ख्याल वो फिल्म को लेकर डूब गया। मेरा अपना जाती ख्याल है कि वो अभी इतना उसकी वो ग्रूमिंग नहीं की उसने, क्या नाम है शेखर ने, इतना उसका भी वो है नहीं उसमें उतना टैलेंट। लेकिन आप क्योंकि मैच्योर हो चुके हैं अब, तो आपकी एक्टिंग अच्छी थी उससे, बहुत ज्यादा अच्छी थी माशाल्लाह। अरे तो मुझे बहुत अच्छे उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था, फीडबैक अच्छा मिला। हाँ, बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे ये है कि मैंने आपके अंदर ये बात महसूस करी अभी गुफ्तगू में कि जैसे कि आपको फिल्म का शौक है। जी बिल्कुल शौक है। आपको शौक है फिल्म का और आप समझते हैं कि अदाकार का बड़े स्क्रीन पे जाकर के काम करना ज्यादा। और मेरा ख्याल ये भी है कि अगर ये दौर जैसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है जी, अगर इस दौर में आप जैसे अदाकार जो घर घर हर हफ्ते बल्कि हफ्ते में 10 दफा आप नजर आते हैं टेलीविजन पर, तो आप एक फैमिली मेंबर की तरह हो जाते हैं घरों में लोगों। बिल्कुल। तो अगर आप लोग फिल्मों में आए और वो पिक्चर जो है प्रॉपर तरीके से उसकी पब्लिसिटी हो, उसको प्रमोशन उसकी हो, तो आप लोग इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। आप हो गए, फैसल कुरैशी हो गया, हालांकि फैसल कुरैशी भी फिल्मों से बहुत नाकाम हो गए इस तरफ आए। हाँ, उन्होंने लेकिन वो उसमें फैसल कुरैशी का कोई कसूर नहीं, किसी एक्टर का कोई कसूर नहीं होता। लेकिन ये बताऊं आपको, इंडिया से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के जापान हॉलीवुड तक, जब फिल्म नाकाम होती है तो उसमें एक्टर को जिम्मेदार ठहराया जाता है,
डायरेक्टर जो जिसका फील्ड में नहीं वो कमजोरी होती वो बेवकूफी वाली बात है, एक्टर को नहीं ठहराया जाता, गलत है ये। फिल्म अच्छी होती है तो वो रजनीकांत की भी चलती है, वो किसी की भी चलती है, यू नो, मतलब नए जब एक्टर्स होते हैं तब क्या होता है। नहीं वो सही है, यू नो, आपके पास एक्टर का अच्छा होना बहुत जरूरी है कि वो अच्छा हो, नहीं सारी चीजें जिस किस्म सारी चीजें अच्छी हो, सारी चीजें पहले फिल्म अच्छी होगी तो फिर एक्टर उसमें अच्छा होगा। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ना उसके ऊपर एक्टर को परखा जाता है, एक्टिंग पे तो परखा नहीं जाता कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहे हैं, आप बिक रहे हैं। आप इंडिया में देख लें, आपके पास अभी अभिषेक बच्चन और बहुत सारे एक्टर्स की मिसालें हैं, 10-10 फिल्में पीछे फ्लॉप दी लाइन से, लोगों ने बोल दिया कि ये तो एक्टर बन ही नहीं सकता। और उसके बाद मैंने लड़कियों को ये कहते हुए सुना है कि अमिताभ बच्चन हमारा ससुर है, यू नो, मतलब वो इतना, एक बंटी बबली उसकी फिल्म हिट हुई है, यू नो, युवा फिल्म थी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास। डेफिनेटली है, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं खातून हज़रात, क्योंकि ये वक्त ऐसा हो गया है कि हमने गुफ्तगु छेड़ दी फिल्मों के, और हुमायूं फिल्मों में काम करने के शौकीन भी, इन्होंने की भी फिल्में, मगर क्योंकि इनकी कोई ऐसी पाकिस्तान में इतनी सक्सेसफुल मूवी नहीं हुई कि ये, मगर ये वक्त ऐसा है कि ऐसे आर्टिस्ट जो हैं वो अगर इंडस्ट्री में आए, आगे इनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए बात करेंगे आपसे, लेकिन हुमायूं वही एक प्रॉब्लम है जो आपके साथ भी है मेरे साथ भी। क्या लड़की नहीं है? नहीं कोई बात नहीं। और भाई मैं क्या करूं, मुझे एकदम चलते चलते ये जो ब्रेक लेनी पड़ती है ना, ये मेरी बहुत जिंदगी तबाह करती है। कौन एक ब्रेक लेके वापस आते हैं और हुमायूं से पूछते हैं कि पूछते हुमायूं से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जाने से पहले आपने देखा कि प्रोफेसर हुमायूं सईद नौजवान नस्ल को रोमांस और उसके कुछ तरीके बता रहे थे, और मेरा ख्याल है आगे चल के हम उनसे और इस्तेफादा हासिल करेंगे, और क्योंकि मैं समझता हूँ इतने वेल एक्सपीरियंस्ड आदमी को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ नस्ल को सीखना चाहिए। लेकिन जब नौजवान नस्ल की बात करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि नौजवान नस्ल की पसंद कहाँ कहाँ है, क्या सिर्फ मेल स्टार तक है? नहीं जी, फीमेल भी उसी रफ्तार से उसी सलाहियतों के साथ इस शो बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आगे हैं, बल्कि मेरे ख्याल है कुछ ज़्यादा ही आगे हैं। और जिस शख्सियत को आप हमारी यहाँ आप देखेंगे, हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाएंगी, वो मेहमान यकीनी तौर पर इस वक्त एक बहुत बड़ा शोबिज का नाम है, इस हवाले से कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनका, मतलब हम देखते हैं कि उनकी डिफरेंट स्टाइल में उनकी जो है ना सीरीज और सीरियल और प्लेज आते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन निखरती जा रही है, बनती जा रही है। क्योंकि खुदा ताला जब वो टैलेंट देता है और उसके साथ अच्छी शक्ल दे दे तो वो होता है सोने पे सुहागा। तो सोना भी है, सुहागा भी है, और मासी भी है, और मलका भी है, और सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ शरीफों के दरमियान में मौजूद भी हैं। खातून हज़रात इस्तकबाल कीजिए हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा नाम और बहुत खूबसूरत बासलाहियत फनकारा, तशरीफ लाएंगी आशा खान। नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। अरे क्या हो रहा है, ये सब बहुत नाइंसाफी है। हमसे मिलते हैं तो सलाम, तुम्हें मिलते हैं तो यूं, ये सब क्या है? इज्जत करती हैं आपकी। अच्छा आप मेरी इज्जत करती हैं, आपकी नहीं करती। अच्छा आपको मैं वालिद सलाम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ शरीफ शो में, और हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि आज हमारे मुल्क के दो स्टार जो है वो एक साथ जमा हुए हैं, और जी हमारे लिए ऑनर है, थैंक यू। ये बड़े ही बहुत ही मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है कि आप दोनों को मैं कैसे बैलेंस करूँगा, किसकी तारीफ़ करूँ किसकी ना करूँ, क्योंकि ये तो इस वक्त हमारे प्रोग्राम में एक टीचर की हैसियत से बैठे हुए हैं। अल्लाह खैर करे फिर तो। ये टीच क्या कर रहे हैं वो तो आपने सुना नहीं होगा मेरे ख्याल है। जी मैंने सुना। सुन लिया है। तो ये बताइए जी कि इतने अच्छे अच्छे रोल आप कर रही हैं तो आप कि तो कोई ट्रेनिंग नहीं होगी मेरा ख्याल, कोई एकेडमी, कोई कोई किसी किस्म का कोई कोई एक्टिंग कोर्स कहीं बाहर से पढ़ के कहीं से भी नहीं आए? नहीं जी। ये मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा जरखेज मुल्क है जहाँ ना एकेडमी है
ना कोई ट्रेनिंग सेंटर है, ना कोई टीचर है, ना कोई क्लासेस होती है, ना कोई सब्जेक्ट है हमारे इसमें एजुकेशन में इस किस्म का कि, मगर उसके बावजूद टैलेंट है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में आया जा रहा है। आपकी शक्ल जब मैं देखता हूँ टेलीविजन पर, आप इतना अच्छा एक्ट करती है, लगता पता नहीं आपने बरसों सीखा है। इनको देखते हैं तो इनके दो तीन काम जिसमें इनको नहीं है बाकी कामों में, ये लगता है बस सीखे सिखाए लोग पैदा हुए इस मुल्क में, बॉर्न एक्टर बॉर्न एक्ट्रेस। जी बिल्कुल। तो कैसा लगता है आपको ये शोहरत का सफर जो अभी शुरू हुआ है? बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत हम्बलिंग है, लेकिन हमारे यहाँ अगर अकेडमीज नहीं है तो एटलीस्ट हमारे यहाँ हमारे डायरेक्टर्स हमें बहुत इन्वेस्ट करते हैं टाइम, पेशेंट्स के साथ हमारे साथ काम करते हैं। मेरे सारे को स्टार्स बहुत अच्छे रहे हैं, सीनियर्स बहुत अच्छे रहे हैं, सो मैंने जितना भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। और वाकई जो लोग कहते हैं कि नहीं सिखाते, ये गलत बात है। सिखाते हैं, अगर आप सवाल करेंगे तो वो आपको जवाब देंगे। अगर आप गलत बात है, वो तो डायरेक्टर का फर्ज है कि आपको करेक्टर एक्सप्लेन करें, कहानी बताए, शॉट बताए, आपको एक्सप्रेशन बताए, वो तो उसकी जॉब है। वो नहीं, मैं वैसे एकेडमीज की बात कर रहा हूँ, वो तो नहीं है ना, उसके बगैर आप आती हैं। यानी आपका बेस जो है वो तो आपका खुद का है ना जी, वो तो आप उसमें रोल्स में शेड बनाती हैं, वो डायरेक्टर आपको बताते होंगे। बिल्कुल बताते हैं, आई थिंक वही है जैसे आपने कहा, आइदर है या नहीं है, आइदर यू बॉर्न विद द टैलेंट और नॉट। और नहीं, आप तो बॉर्न है, आप भी बॉर्न है। थैंक यू। बहरहाल, किस आर्टिस्ट के साथ आप कंफर्टेबल होती हैं काम करते वक्त? बहुत सारे हैं, लेकिन ऑन अ वेरी ऑनेस्ट लेवल, मतलब नॉट बिकॉज ही इज सिटिंग हियर, बट ही इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट हुमायूं टू वर्क विद। मगर आपने अभी एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा, आपने कहा था कि फैसल रहमान के साथ काम करने में, मैं भी वही आ रही थी, इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट, लेकिन नोमान एजाज और फैसल रहमान भी मुझे बहुत पसंद हैं टू वर्क विद। नोमान एजाज, फैसल रहमान, दे वेरी गुड। और फिर ये आते हैं नहीं पता ना ये कहाँ है, किस जगह पे हूँ, वो कह चुकी है। एक्चुअली उनसे काम के हवाले से, मतलब आई मीन इनको किस हवाले से, हुमायूं से दोस्ती भी है, दोस्ती भी है। हाँ, वो जो है वो यू नो देयर अ लॉट सीनियर टू मी, तो ऐसे ही मिल गए शूटिंग पे। मतलब वो तो ऐसे ही मिले ना आपको डेट के ऊपर के, जी आज रिकॉर्डिंग है, मिल गए आपको? नहीं, उन्होंने बहुत सिखाया मुझे, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इन्होंने क्या सिखाया आपको? बालवी अच्छे लगते हैं, आंखों का भी कहते हैं ना आप, जो आप अपनी प्रैक्टिस पर रहे, वो खराब नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिस आपकी, ये बहुत प्रैक्टिस में रहते हैं वैसे ऑन सेट्स। आप लोगों में कोई इख्तलाफ भी था मेरा ख्याल है, शायद आप लोग साथ काम नहीं कर रहे थे, कोई मसला था? नहीं। आप इस शो में सवाल इनकी तरफ डायरेक्ट होना चाहिए, मैं करता हूं और मैं कोई ढगी झुपी बात नहीं, आपका क्या था प्रॉब्लम, क्या था? मेरा इससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। तो फिर आपने क्यों साथ काम नहीं कर रहे थे? तो एक सीरियल में साथ काम नहीं किया था, नहीं, उसके अलावा तो आप बाकायदा कहा भी कि मैं नहीं करूंगा। नहीं नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन है आपको, एक सीरियल में साथ काम नहीं किया था बस। क्या वजह क्या थी उसकी? बस वो वजह ये थी कि वो तीन हमारे मुल्क के तीन एक्टर्स हैं, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे काफ़ी कहा कि यार अभी तुम इसके साथ काम नहीं करो, अच्छी बात नहीं है। तीन एक्टर उनके यहाँ, तीनों की लड़ाई थी इससे। कौन कौन थे वो तीन आदमी? वो एक ये था, एक वो था और एक ये था। अच्छा, एक ये था, एक वो था, एक ये था। मैं मतलब एक ये था, एक वो था, एक ये था, ये तो नहीं था। मैंने इनसे माफी मांगी थी और मैं सबके सामने खुल के माफी मांगा। हाथ ऑन एयर भी जाएगा। इसमें हाथ भी नहीं लगा सकते? नहीं, ये भाभी ने क्या सिखाया था क्या आदमी? अच्छा शोहर वो है जो बीवी की कोई बात ना भूले, सही बात, चाहे तनाव हो चाहे ना हो घर में। कुछ चीजें 10 साल पहले सिखाई थी और कुछ मैं भी सिखाता रहा हूँ 10 साल में। अच्छा, तो उससे कुछ तो उसने भी असर लिया, पेशेंस सिखाता रहा। अच्छा, अब ये बताइए, आपका इख्तलाफ अब तो नहीं है ना? नहीं, हमारा कभी इख्तलाफ नहीं, हमारा पर्सनली कभी भी नहीं। और मैंने माफी मांग ली थी, माफी मांग ली आपने, दे दी माफी? बिल्कुल बिल्कुल, माफी दे दी इनको, अब इनको माफी है, माफी। हम दोनों सीरियसली प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ जी, मतलब मेरा सबसे प्यार यार, एक्सक्यूज मी जरा ये भाभी को फोन लगाइएगा, अपना भाभी को फोन लगाइएगा। मैं आपसे भी प्यार करता हूँ। मुझसे भी करते हैं। आपको और हमें फिर सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ेगा। मतलब आप तो वाकई में समीना पीरजादा की फिल्म में काम किया, आपने तो इंतहा कर दिया। ये बताइए मुझे,
आप कब पैदा हुई थी? कब पैदा हुई थी जी? कौन सा सन था, क्या था? ईमानदारी से झूठ नहीं। वैसे लड़कियों से नहीं पूछते ना, लड़कियों से तो ना पूछे उमर भाई। नहीं पूछते भाई, चलो ना नहीं पूछते। आप पैदा कब होंगी? आपकी आपकी सिफारिश आई तो मैंने कहा ये पूछ लेता हूँ आप कब होंगी। नहीं मुझे एक्चुअली 1992। आप इसका मतलब है गिफ्ट भेजते। अच्छा एक्सक्यूज मी, हम लोग पहले एक बात और तय कर लेते हैं, इनके सारे जवाब आप देंगे? थैंक सो मच। नहीं प्लीज बताए। नहीं नहीं बिल्कुल। वो जो होता है ना जब शादी वादी हो रही होती तो कहते अब्बा बात करेंगे। आप बात करेंगे। मेरी गलती है, मैं इनसे सवाल करता हूँ जवाब आप दे। मैं इनसे पूछता आपका पे तो ये 1982। यार ये तो अजीब ही काम। चलो ठीक है, अपने अपने जवाब देने वो ठीक है कि आप एक हैं? नहीं आप सवाल इनसे कर रहे होते हैं, देख मुझे रहे होते हैं तो देखिए मैं क्या देखा, सवाल इनसे करता हूँ एक्सप्रेशन आपके देखते यही तो मेरी नजरें हैं तलवार, मुझे पता है ठीक है ना, इसलिए मेरी जबान चल जाती है। मैं जवाब दे देता हूँ। आप 82 में पैदा हुए तो कितने बन गए? आप ही से बात करूँ, कितने बन गए? 27। 27 साल की होगी माँ। 27 साल की उम्र में तो यहाँ पे इतनी फास्ट लड़कियां हैं आजकल कि शादी होके तलाक भी हो जाती है। आपने तो सुना अभी तक शादी नहीं की? नहीं जी नहीं की। अच्छा क्या वजह? मैं खुदा ना करूं, पर्सनल सवाल है लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि दिल चाहता है हमारी जो स्टार हैं इनकी शादियाँ हों, हम इनकी शादियों में जाएं और मतलब खुश हों, भंगड़े डालें, नाच। आपको तो नाचने का बहुत ही शौक है। आपका एक प्रोग्राम देखा भी जिसमें आप जज बने हुए नाचने में। जी जी यार आपका डांस में क्या ताल्लुक है नाचने? मुझे एक बात भी समझ नहीं आई। मुझे आपको शौक है नाच? मुझे बहुत शौक है, तो मैं एंजॉय करता हूं। प्रोग्राम में जज बन के बैठ गए तो एक बात मुझे बताइए कि डांस के आप जज बन गए थे, आपको कुछ ख्याल नहीं आया, खौफे खुदा नहीं आया? किस बात कि यार मैं नहीं हूँ डांस का, मुझे पता ही मेरा, नहीं है। मेरा भी दिल है कि मैं भी खुश हूँ। नहीं दिल तो आ जाता ना किसी के ऊपर जी, तो वो तो गलत, दिल की कैफियत अलग है। मत ये आपको वाकई में डांस का है इतना पता कि आप एक जज बन जाए? मेरे ख्याल से जज को जरूरी नहीं कि इतना डांस का पता हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डांस इतना अच्छा नहीं आता लेकिन वो देखने वाले अच्छे होते हैं जी, मतलब वो जज अच्छा कर लेते हैं, जज कर लेते हैं, जजमेंट उनकी अच्छी होती है डांस में। चलो आपके आपको शौक है फिल्मों में जाने का, आप फिल्मों में नहीं गई? बिल्कुल नहीं। हालांकि आपके जैसे चेहरे को फिल्मों में होना चाहिए, क्या ख्याल है? नहीं नहीं ये बिल्कुल होंगी, ये मेरे साथ एक फिल्म कर रही है। कर रही है? प्रॉमिस हो गया? इंशाल्लाह हो गया प्रॉमिस। मैंने नहीं जी, आप करें फिल्म, आने वाले शो से बात की है मैंने। आप करें, आप करें, आप अपनी पिक्चर क्या कर दिया? क्या हुआ बता, वो बताना नहीं मना। नहीं प्लीज मैं रिवाइंड करा के सुन लूंगा। क्या क्या कहा? मैंने ऐसी मजाक में कह दिया था कि इनके होने वाले शोर से मैंने पूछ लिया कि ये फिल्म कर सकती हैं। अच्छा, होने वाले उन तक भी पहुंचने हैं। यानी अभी से आपने शोर से भी ताल्लुकात बना लिए ताकि घर में आने जाने में दिक्कत ना हो। अच्छी बात है हमारे भाई कि जो आप प्राइवेट प्रोडक्शंस कर रहे हैं, अब माशाल्लाह आपका इधारे का एक नाम बन गया है और वो एक पहचान भी बन गया है आपकी, कि आप जिस किस्म के मतलब आप ड्रामा सीरियल बना रहे हैं वो बड़े अच्छे सब्जेक्ट हैं और ज़्यादातर जो है वो फीमेल ओरिएंटेड हैं आपकी जो स्टोरीज हैं। जी जी। खवातीन के मसाइल आपको अट्रैक्ट किए तो आपने अपनी प्रोडक्शन में ज़्यादा, ये कभी आपका चल रहा है मेरी ज़ात ज़र्रें बेनिशान जी, बहुत अच्छा है वो, मैंने उसके कुछ एपिसोड देखे हैं, तो इसमें आप काम नहीं कर रहे हैं? जी जी। या आपने प्रोड्यूस किया है? जी मैंने प्रोड्यूस किया है उसमें। मैं अपनी प्रोडक्शन की वजह से मैं काफ़ी बिजी था और उसमें फैसल कुरैशी को कास्ट किया। फैसल कुरैशी उसमें अच्छा काम कर रहा है, बहुत प्यार, बहुत अच्छा काम कर रहा है। दिल में तो आ रहा होगा यार पैसा मेरा और काम ये कर रहा है। मेरे ख्याल से नहीं हो सकता यार, अब इतना जहन भी साफ नहीं होता किसी, होता तो है। ही इज डूइंग अ गुड जॉब और समिया बहुत अच्छा काम कर रही है उसमें। समिया मुमताज जी, समिया मुमताज वो भी अच्छा काम, सभी अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने रोल में, सब जस्टिफाई कर रहे हैं तो अपने अपने कैरेक्टर को सब लोग। नहीं मैं अगर हर सीरियल में, क्योंकि मैं साल की काफ़ी ज़्यादा सीरियल्स बनाता हूँ, तो अगर मैं हर सीरियल में खुद आने लग जाऊँ तो मैं आ भी नहीं सकता और वो बुरा भी लगता है कि मैं हर रोल को। आप खुद से आपने छोड़ा ये? जी। एक गैप देते हैं आप ताकि एक जरा थोड़ा सा, तो मेरी कोशिश होती है, कोशिश होती है हालांकि ये अच्छी कोशिश है, ये अच्छी बात है क्योंकि लोग करते नहीं है। जब आदमी का अपना तो आदमी कहता है इसमें तो कूदो। अभी मैं जो आगे 4-5 सीरियल बना रहा हूँ उसमें मैं सिर्फ एक में काम कर रहा हूँ और बाकी सब मैं दूसरे एक्टर्स हैं।
अच्छी बात है, जिससे क्या हो रहा है कि आप और टैलेंट भी लेकर के आ रहे हैं ना, तो और टैलेंट को भी जगह मिल रही है, ये अच्छी बात है, ये तो अच्छी चीज़ है। अच्छा एक बात और बताइए, बड़ी प्यारी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप इस वक्त एक बहुत सारी आप सीरीज में आ रही हैं माशाल्लाह, और एक आपका बहुत अच्छा इमेज जो है बन रहा था रोमांटिक हीरोइन, अभी आपने कुछ चेंज लिया है जी बिल्कुल, क्या आपने कुछ थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर्स की तरफ आई हैं आप जी। जो तो ये क्या है, आप क्यों अपना इमेज रोमांस से हटा के इस तरफ लाना चाहते हैं, क्या साबित क्या करना चाह रही हैं आप? पता नहीं, साबित तो ये करना चाह रही थी कि मैं वर्सटाइल हो सकती हूँ, और मुझे नहीं पता कि कामयाब हुई या नहीं हुई, लेकिन देखिए आप ना बताएं, अभी पूछ लेते हैं, आज आप बताएंगे क्या इनका चेंज आपको लगा कि कामयाबी की तरफ, राइट राइट पब्लिक तो कह रही है जी आपका ये चेंज लोगों को एक्सेप्ट किया लोगों ने, और लोगों ने ये मान लिया कि आप स्टाइल हैं बहुत अच्छी, आप मैंने तो खुद माना और मुझे लगा कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, एक मैंने देखे आपके दो चार सीन, मैं जरा थोड़ा सा रहता हबड़ दबड़ में हूँ इसलिए मैं देख नहीं पाया, तो इसलिए मैं सॉरी। अच्छी बताइए, किसी भी आर्टिस्ट का आखिरी जो स्टेशन होता है वो फिल्म ही होती है, ये भी हुमायूं भी कहते हैं इस बात को, इन्होंने भी फिल्में की हैं, फिल्म की ऑफर हो गई अगर आपको इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद होगी और हुई होंगी बहुत सारी, आपने डेफिनेटली मना भी किया होगा जो हालात हैं फिल्म के, आपने क्या कहा होगा, लेकिन हिंदुस्तान से हो जाए किसी को ऑफर तो फिर तो एक होता है दिमाग बनता है। एक्चुअली मैं कमर्शियल फिल्म कर नहीं सकती, करना चाहूँ तब भी नहीं, ना तो मैं डांस की कोई खास शौक है, ना मुझे पाटिल डांस नहीं करती थी, तो आठ फिल्म्स डांस नहीं करती, आठ फिल्म्स कर सकती हूँ, आठ मूवीज तो कर सकती, आठ फिल्म्स करूंगी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो है। किसके साथ करना चाहेंगी, शाहरुख सलमान के मैनन के साथ, गुड एक्टर, क्यों उनके साथ क्यों? Because I think he's a fine actor, बहुत अच्छा एक्टर, especially artsy sort of film के लिए I think he's very very good. उनके साथ करना चाहिए, तो आप ले रहे हैं इनको फिल्म में? हुमायूं के साथ भी करना चाहूंगी any day. इसका मतलब आप वाकई में मूडी हैं। अब मुझे पता चल गया, इनके साथ भी करना चाहूंगे, इनके साथ भी करना चाहूंगे। इंडिया से पूछ रहे थे ना, तो इंडिया से अगर हो तो, अगर पाकिस्तान में मुझे कोई चॉइस दी जाए तो डेफिनेटली हैंड्स डाउन हुमायूं। फिल्मों में आपने कहा मैं डांस नहीं करूंगी, मैं कुछ भी मुझे आता नहीं, सच्ची बात है, वरना कर भी लेती, मुझे नहीं आता, मैंने कभी ना सीखा ना देखा ना एंजॉय किया। अगर इस पे गाना पिक्चराइज होगा तो ये अच्छी लगेगी बहुत। हाँ मतलब सादा गाना, वो जो चलती हुई आ रही है बस, भाभी करती रही एक जमाने में, बहुत सी अच्छी फिल्मों में शमी मारा करती डांस हो, वहीं घूम घूम के पूरा गाना खत्म कर, गमले के पास ही पूरा गाना खत्म कर लेते, वो उस तरह का तो कर लेंगी। नहीं, दूसरा ये कि अब तो फिल्मों में हर फिल्म में डांस गाना होता भी नहीं है, बहुत ज्यादा हर फिल्म में नहीं होता। अच्छा आप बताइए, आपने आपकी नजर में महेश भट्ट अच्छे डायरेक्टर हैं या जावेद शेख अच्छे डायरेक्टर? दोनों अलग अलग जगह पे, अपनी अपनी जगह पे, महेश भट्ट साहब ने तो डायरेक्शन छोड़ दी है। महेश भट्ट क्या करते हैं? मेरे ख्याल से वो सारा क्रिएटिव देखते हैं उस कंपनी का, जिस कंपनी के वो स्टोरीज वगैरह सारा कुछ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। राइट राइट जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप दोनों से, पता नहीं मुझे कहनी भी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, कह दूं अगर कह दीजिए आप, अगर आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, सही बताएं, प्रॉमिस करें, प्रॉमिस, क्योंकि पब्लिक देख रही होती है ना, तो मुझे लगता है मैं पता नहीं कुछ ज्यादा ही मेरा मुंह खुल जाता है, तो मैं ऐसा ना हो कि खुदा ना करता आपको बुरा लग जाए। नहीं, मैंने एक बात सुनी है आपके मुताबिक, एक बात आप लोगों को दोनों के मुताबिक सुनी है जी, कह दूं? हां हां बिल्कुल, कोई वो तो नहीं है ना? ना आपके सामने कह सकता हूं? जी जी आपके सामने कह सकता हूं, इजाजत है आपकी, विद योर परमिशन, Yes. कह सकता हूँ, आप मुझे परमिशन देंगी तो कहूंगा। अच्छा जी, कहें प्लीज। हाँ जी जी, कह दूं? एक ब्रेक लेनी है, ले सकता हूँ? वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, और जैसे कि हमने ब्रेक में जाने से पहले आप देख रहे थे कि हमारे साथ हमारे इस वक्त जो पाकिस्तान की जो इस वक्त शोबिज है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना पावरफुल है, इसमें जो दो पावरफुल आर्टिस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। एक तो मैं हुमायूं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर मिसाल के तौर पे वक्त ऐसा चेंज लाए ठा, हुमायूं सईद पॉलिटिक्स में आ जाए, ओए होए होए, हुमायूं सईद पॉलिटिक्स में आओगे तो क्या करोगे? बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बनेगा हुमायूं। यानी इनकी एक राय है कि आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन, ही अच्छा पॉलिटिशियन बनेगा हुमायूं। यानी आपके साथ कोई बहुत अच्छी सियासत की इन्होंने? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, लेकिन हुमायूं इज जेन्युइनली वेरी केयरफुल,
बहुत सोच समझ के बोलते हैं, जो इनके लिए बहुत अच्छा रहा है. ही इज ऑनेस्ट. लेकिन तो ये सियासत में कैसे चलेंगे? नहीं, आई थिंक सोच समझ के बोलेंगे और ऑनेस्ट है तो सियासत में फेल हो जाएंगे. तो फिर मैं सियासत में नहीं आना चाहता, इसलिए आप आना ही नहीं चाहते. नहीं, लेकिन कौम आपको मजबूर कर दे, प्लीज हुमायूं आओ, हमें बचाओ और मैं बना दूं आपको अच्छा पॉलिटिशियन. बने अगर मैं बना दूं आपको, मिसाल के तौर पे मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ, अगर सपोज कह ले कौन सा पता नहीं कबूलियत का वक्त हो, हाँ जी कोई भी कुछ भी हो सकता है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हुआ है तो और आपको मैंने ले लिया मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, वो भी बिजली में, और राजा परवेज अशर साहब की जगह पर आप आ गए, तो पहली तकरीर आप क्या करेंगे इस बिजली के बहरान में, लंबे लंबे बिलों में, इस लोड शेडिंग में आके आप बैठे? अब पैर नीचे कर लीजिए, आप मिनिस्टर हैं जी. ये बहुत मुश्किल काम दे रहे हैं. अब आपके ऊपर कैमरा है और आप कौम से खिताब करके बता रहे हैं कि आप पहला ऐलान क्या करेंगे एज ए फेडरल मिनिस्टर बिजली के, आप क्या करने जा रहे हैं जिससे पहले ऐलान से लोग खुश हो जाएं, लोगों की बाँचें खिल जाएं, कौम में खुशी की लहर दौड़ जाए, लोग कहें कि ये अब आया हमारा मिनिस्टर. तकरीर शुरू करता हूं, पहले मैं कौमी तराना बेटा. कौमी तराना मेरे ऊपर आया. कैमरा मेरे ऊपर आया. ख्वातीन हज़रात, हम आपको लिए चलते हैं जहां पर हमारे बिजली के मिनिस्टर जो हैं इस वक्त अहम ऐलान करने वाले हैं. कैमरा आप पे आया. बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, मुझे छुए डाबो मर जाएगा. मैं यही कर सकता हूँ. मैं यही कर सकता हूँ. इसका मतलब ये हुआ कि आपको वाकई में सही डांस कंपटीशन में आपको जज बनाया. यही देखा होगा उन्होंने कि एक सीरियस मैटर चल रहा है और आदमी ने डांस शुरू किया. यानी आप कह रही हैं बहुत अच्छा पॉलिटिशियन हो, ये तो पॉलिटिशियनों की जॉब ही खराब कर रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं. पॉलिटिशियन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे साथ, वो तो चलो काबिले बर्दाश्त है, जो इन्होंने किया है वो तो काबिले बर्दाश्त ही. आप भजन सियासत में नहीं आएगा. मैं ऐसे अभी बता रहा हूं, अगर आप आए ना मैं आपका पोलिंग स्टेशन फाड़ दूंगा. आप मत आइएगा सियासत में, नहीं आएगा प्लीज. रिक्वेस्ट है, बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है मेरी. मैं यही कह रहा हूं, आप पे हक नहीं, लेकिन प्लीज भाई कुछ भी कीजिएगा. यही तो मैं कह रहा हूं. आप एक्टिंग पे मैंने माइंड नहीं किया, आप प्रोडक्शन पे मैंने माइंड नहीं किया, आप इंडिया का मैंने माइंड नहीं किया. आप सियासत में आए ना तो मैं घर आ जाऊंगा. चले हम आपको छोड़ देते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो अच्छा खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है ना पॉलिटिक्स में आई है और अच्छी पॉलिटिशियन बनी है खवातीन हमारे मुल्क में. मेरा ख्याल है अभी भी आप देख लें तो कुछ दो चार मिनिस्टर्स बहुत अच्छी हैं. और अगर कोई मिनिस्टर आपकी तरह खुश शक्ल हो, खुश अखलाक हो और नेवर माइंड हो तो आपको बना दूं मैं अगर बिजली का. प्लीज एक सपोज मैंने आपको करेक्टर दे दिया मिनिस्टर का, फिर क्या करेंगे आप मना कर देंगे? आप जैसी बहुत स्टाइल आर्टिस्ट जो हर किस्म का किरदार, मलका भी बनती है, मासी भी बनती है, वो जो एक रोमांटिक लड़की भी है, वो एक जिद्दी शरीर लड़की भी है, वो एक शौकन भी है, वो एक जालस औरत भी है, वो एक खूबसूरत औरत भी है, शायर उस पर गजल कहते हैं, वो लड़की मना कर देगी? नहीं, मैं नहीं कर रही. वो करेगी लड़की, वो तकरीर करेगी. पवित्रा ना खातून हजरात, हमारी वो मिनिस्टर साहिबा जो आज ही इन्होंने बिजली का कलमदान संभाला है और इतनी खूबसूरत है कि हमारे पास कोई 2 लाख ईमेल आई है कि जी ये आप असेंबली में सही फीमेल लाए. तो उस ईमेल की वजह से हमने इनको ये मिनिस्ट्री दी है फेडरल की और ये इस वक्त बिजली के सिलसिले में एक नया जो बहरानी कैफियत है उसको सुधारने का एक नया अनाउंसमेंट करने जा रही. प्लीज मैम, नो लोड शेडिंग. नो लोड शेडिंग. क्योंकि मिनिस्टर साहिबा के भी घर की बार बार बिजली जाती है इसलिए वो कहती है नो लोड शेडिंग. अच्छा, आप दोनों ने बड़ा माशाल्लाह अच्छा इस वक्त अपना सेटअप किया हुआ है, प्रोडक्शंस का, एक्टिंग का आपका है, माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं आप लोग. आप क्या कहेंगे जो इस तरफ आने वाले लोग हैं जैसे आप अट्रैक्ट कर गए, आप कर गए, उनको क्या कहेंगे आप? वो तालीम छोड़ दें, फौरी तौर पे अपने सारे काम छोड़ दें और एक्टिंग में आ जाएं, या आप उन्हें क्या सुलझाव देना चाहेंगे आप?
मैं ये कहूँगा कभी भी तालीम ना छोड़ें, जो भी इंटरेस्ट रखते हैं इस काम में आने के लिए वो पहले इतने मेच्योर ज़रूर हो जाएं, यू नो, अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि इससे बहुत हेल्प, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है एक्टिंग करना, उसमें बहुत सारे आपको कैरेक्टर्स करने पड़ते हैं जिसमें आपको कोई ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, कुछ इतना आपका एक्सपोजर ज़रूर होना चाहिए जिसकी वजह से आप लोगों को समझ सकें, उन कैरेक्टर्स को समझ सकें, उनको कंसीव कर सकें। राइट, क्या कह रहे हैं हुमायूं सईद? नए आने वाले सुन लें कि पहले आप अपनी तालीम को मुकम्मल करें, अपना फ्यूचर सेफ करें, उसके बाद आप इस तरफ आएँ, क्योंकि ये काम है चला चला नहीं चला नहीं चला, हो सकता है आपको ये फील्ड छोड़नी पड़े, आप फील्ड को सूट ना करें, आप ना सूट करें, फील्ड आपको सूट ना करें, हो सकता है। नहीं, एक और बात जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि लोग समझते हैं शो बिजनेस में शो बिजनेस एक्टिंग एंड एजुकेशन डोंट गो हैंड इन हैंड, दे डू। एजुकेशन का क्या काम है शो बिजनेस में, लोग अक्सर ये पूछते हैं। बहुत काम है एक्टिंग और आपकी वर्सिटिलिटी में टू बिकम मोर वर्सिटाइल, बहुत काम आती है एजुकेशन, बिकॉज एक्सपोजर होता है, यू नो डिफरेंट कल्चर्स, आपको डिफरेंट ट्रेडिशंस का पता होता है, आप एक्सपोज हुए हुए होते हो, आपको एक बॉक्स में नहीं आप बंद हो जाते कि एक टिपिकल ख्याल से कि ये कैरेक्टर ऐसा ही हो सकता है, आप उस एक कैरेक्टर को मजीद 10 डिफरेंट शेड्स दे सकते हैं थैंक्स टू एजुकेशन। सो अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे कम अप टू यू एंड दे से कि तो फिर आप अपनी एजुकेशन का क्या कर रही हैं, क्या मतलब क्या कर रही हूँ, यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही है वो एजुकेशन। बिल्कुल हो रही है, और बल्कि मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात की कि एजुकेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। मेरा सवाल इसीलिए था कि आप लोगों को, सब लोगों को, जो हम लोग जो जिनको लोग देखते हैं उनको लोग सुन करके समझ जाते हैं, और एजुकेशन क्यों ज़रूरी है कि अब बाहर के मुल्क जाने का एक रुझान भी है और लोगों का शौक़ भी है, और बाहर के मुल्क में जा करके जब आदमी जाता है सबसे पहले अपना काउंटर के ऊपर इमिग्रेशन के, तो मैंने खुद देखा है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, कि हमारे जो लोग जा रहे होते हैं बेचारे, वो सवालात का रट्टा लगाते हुए जा रहे होते हैं, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, माय नेम इज फखरुद्दीन, माय फादर नेम इज जमालुद्दीन, माय मदर, शी वाज अ गुड वुमन, ये सब वो करते हुए जा रहे होते हैं। अच्छा, जैसे ही वो चल रहे होते हैं एकदम जो है ना अचानक सामने जो है ना वो इमिग्रेशन आ जाता है, टक करके बीच वाला निकलता है और उसका नंबर आ जाता है, अब इसके हाथ पर फूल जाते हैं आदमी के, ये जाता है और वहाँ जाकर फिर वो पूछता है, अच्छा वो लोगों का तो जैसे हम उर्दू बोल रहे हैं, मैं कितनी फास्ट उर्दू बोल रहा हूँ, तो मेरा फ्लो है और हमारी ज़बान है, इस तरीके से उनकी भी ज़बान है, तो वो कोई वो टक करके पूछ लेते हैं, एक्सक्यूज मी, हाउ मेनी डेज यू आर स्टेइंग ओवर हियर, भाई इतना पूछते हैं वो हमारा आदमी देखें। My name? फिर वो अच्छा अमेरिका में जाके ऐसा करते हैं ना, तो पीछे जो लोग लगे होते हैं लाइन में वो भी हेल्प नहीं करते, उस मुल्क में पीछे मुड़ के देखता ही आदमी यूं, तो पीछे लगे था आगे देखता रहे, मेरी तरफ ना देख, मैं तेरा वाकिफ नहीं हूँ, तू तो मुझे अभी मिला यहीं पर ही, आगे देखता रहता है, आगे अपना 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 बेटा अपनी खबर अपना हिसाब चलो सारा। अब फिर वो फिर पूछता है, एक्सक्यूज मी, हाउ मेनी यू आर स्टेइंग ओवर हियर, माय फादर चार पांच मरतब के बाद पूछता है, नो इट वाज एंड यू हाउ मेनी डेज यू स्टिंग ओवर हियर, जब वो बिल्कुल बेबस आता फिर आदमी कहता है, ओए कितने दिन रहेगा तू इथे, तानू समझा समझा के मैनू पंजाबी आ गई है, तानू इंग्लिश नहीं आई, इसलिए मैं समझता हूँ इंग्लिश अंग्रेजी या तालीम जो भी है आपको लेनी चाहिए, ताकि आप कभी बाहर मुल्क जाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा, मैं देखता हूँ लोगों को सामना करना पड़ता है। तो इस लाइन में आने वाले लोग जो आना चाहते हैं शोबिज में, मोस्ट वेलकम, जरूर आइए, मगर प्लीज अपने आप को सेव करके आए, तालीम हासिल करके आए, ये लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, ये इन्होंने तालीम भी हासिल किए, आपके फेवरेट हैं और इन्होंने एक मुकाम भी हासिल कर लिया एक्टिंग में, प्रोडक्शन भी अपनी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई रिस्क लेकर आ गए थे, इन्होंने एक मनसूबाबंदी की, एक अपना प्लान बनाया और फिर आए और हमारे शो में आए, सबसे बड़ी बात यह। और आज का मेरा शो आपकी वजह से अच्छा हो गया, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि आप इतने अच्छे, बल्कि मैं आपको आज एक खिताब देना चाहता हूँ, बेबाक गेस्ट, बेबाक, यानी कि जिसके अंदर एक होता है
जो आदमी अपनी तमाम बातों को बाहर निकाल के रख देते हैं वो लोग बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, जिनके अंदर वो बंदे उन्होंने नकली शादी ऊपर चढ़ाया होता है और हर बात में एक पोजिंग कर रहे, तो वो लोग अच्छे नहीं। बहरहाल मुझे इतनी खुशी आप दोनों के आने की, और मुझे बहुत अच्छा लगा हुमायूं आपके साथ इंटरव्यू करके, और मेरे शो में आप आए, हमारे शो को एक बड़े आपने इज्जत दी। और आयशा आप आई, यकीन कीजिए आप जितनी अच्छी फनकारा मुझे मिलके एहसास हुआ, आप तो इतनी अच्छी मतलब लड़की भी हैं, लड़की हैं, लड़की हैं। तो आप कुछ बताना चाहते नहीं, मैं आप कुछ इनके मुतालिक कहना चाहते? बस मैं चाह रहा था आप जल्दी से इनकी तारीफ कर दें, कुछ बोल दें। अच्छा, आप कर देंगे वरना मैं अगर मैंने नहीं की होती आप कर देते, मैं कर देता। खातून हजरात, इतना प्यार अल्लाह करे हमारी कौम का आपस में हो जाए जितना इन दोनों का है, अल्लाह करे इतना प्यार हमें वतन से होता है जितना ये लोग एक दूसरे से करते हैं, अल्लाह करे हमारा मुल्क के लीडरों को इतना प्यार वतन से हो जाए जितना ये लोग आपस में करते हैं, और ये लोग इसी तरह प्यार करते रहें, हमारे लिए एक मिसाल बन के रहें, संगे मील बन के रहें, हम जब भी प्यार करें इन दोनों को आंखों में लाएं। और इनकी छोटी छोटी मूर्तियां बनाएं, और जब प्यार की इब्तिदा करें एक दूसरे को गिफ्ट दें इनकी मूर्तियां, लड़कियां आयशा की मूर्ति दें, लड़के हुमायूं की मूर्तियां दें। मैं तो इनको उस मुकाम पे देखना चाहता हूं कि ये इतना प्यार बांटे, इतना प्यार करें, और आप भी इतना ही प्यार करें, हर एक से करें, बिला रोक टोक के करें, और प्यार अपनी हदों में रह के करें, प्यार को फैलाएं, इस पैगाम को बहुत आगे लेके चलें। इस मोहब्बत भरी बातों के बाद आपकी चाहतों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, बहुत सारी तालियां हमारे मेहमानों के लिए।